अब जब आपने इंटरफेस के बारे में इसको इस्तेमाल करना और इसको बनाना सीख लिया, तो मैं आपको एक और चीज़ भी सिखाऊंगा, और वो ये कि हम इंटरफेसेस में कुछ वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कोई एक वेरिएबल डिफाइन करूँ, तो मैं इसको लिखूँगा पब्लिक स्ट्रिंग, और इसको मैं नाम दूंगा माई स्ट्रिंग का, और इज इक्वल टू अपने फिर बॉक्स, और ये उस लोगो का बॉक्स है जो हमने बनाया है। तो मैं अभी इस स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूँगा? जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट किसी खास वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते थे, एस आउट करो, क्या एस आउट करो, इंटरफेस का नाम बॉक्स इंटरफेस डॉट माई स्ट्रिंग। अब मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट F6 नहीं चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 24, और ये वो वेरिएबल है जो स्ट्रिंग जो उस इंटरफेस के अंदर डिफाइन है। नॉर्मली हम यहाँ पर उस तरह के वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि ज़्यादातर कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल है पाई जिसकी वैल्यू है 22.7, 22/7 जो भी इसकी वैल्यू हो, 3 point something, उस तरह के वेरिएबल हम यहाँ पर स्टोर करते हैं जिनको हम प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप किसी इंटरफेस में वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक एक वीडियो ट्यूटोरियल थी, उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। मेरी मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।